हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग। आज हम बनाएंगे इन वेजिटेबल से उपमा बाइट। सो व्यूअर्स, उसके लिए मुझे उपमा बनाना होगा। सबसे पहले मैं इस वेजिटेबल को बनाऊंगी और इसको हम स्टफ करेंगे अपने उपमा में। उपमा बनाएंगे, फिर उसके अंदर स्टफ करेंगे। सो व्यूअर्स, जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस ऑनियन को एक कुकर में हल्का सा फ्राई करूंगी। सबसे पहले हम इसमें जीरा डालेंगे, फिर इसमें हम ऑनियन डाल के इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे। सो व्यूअर्स, हमारी प्याज हल्की सी पिंक हो जाएगी तो हम इसमें अपने ये वेजिटेबल्स डाल देंगे। उसके बाद में हम सूखे मसाले ऐड करेंगे और बहुत कम पानी डाल के इसको हमने एक सीटी लगानी है। सो व्यूअर्स, मैंने वेजिटेबल डाल के मिक्स कर दिए हैं, मटर और ये आलू। अब हम इसमें हल्की सी लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और इसमें हम डालेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट और इसको मिक्स कर देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम बंद करके एक विसिल देंगे। सो व्यूअर्स, चलिए उपमा बना लेते हैं। उपमा हम इसके लिए प्लेन बनाएंगे विदाउट वेजिटेबल का, क्योंकि हम वेजिटेबल्स अंदर फिल कर रहे हैं। इसके लिए ये मैंने पहले हींग डालूंगी इसमें और ये मैंने राई और कड़ी पत्ता लिया है, ड्राई कड़ी पत्ता। जब ये क्रैकर में पक जाएगा तब हम इसमें अपनी सूजी ऐड करेंगे। सूजी का उपमा बनाएंगे और इसको मिक्स करते हुए हल्का सा भूनेंगे। अब हम इसमें हल्का सा क्रश्ड रेड चिली डालूंगी मैं, आप चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें हम पानी डालेंगे और मिक्स करते हुए इसको पकाएंगे जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता हलवे की तरह। जब हमारा उपमा थोड़ा सा फूलने लग जाएगा, सूजी फूलने लग जाएगी, तब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, क्योंकि इसकी क्वांटिटी का पता लग जाता है। इसीलिए सॉल्ट एंड में ऐड करती हूँ मैं। इसमें सॉल्ट हम स्टफिंग के हिसाब से भी करेंगे, क्योंकि हमने स्टफिंग में भी सॉल्ट ऐड किया है। अब हम इसको हल्का सा ड्राई करेंगे, थोड़ा बिखरा बिखरा सा हो जाएगा, हमारा उपमा रेडी हो जाएगा। सो व्यूअर्स, हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई है। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे, जिससे कि थोड़ा खट्टापन आ जाए। और इसको हम मैश कर देंगे, जब गर्म होता है इसको हम तभी मैश कर देंगे। और अपने उपमा में भी हम लेमन जूस ऐड करेंगे, आप चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। सो व्यूअर्स, हमारा उपमा भी ठंडा हो गया है और सब्जी भी ठंडी हो गई है जो हम स्टफिंग करेंगे। अब मैं इसमें एक नींबू के आकार का इतना ये उपमा लूंगी और इसके ऊपर हम थोड़ी सी स्टफिंग ऐड करेंगे इस तरह से, और इसको हम लॉक कर देंगे थोड़ा सा और उपमा लेके। और इसकी हमें गोल, एकदम से गोल बॉल बनानी है, आप कोई भी शेप दे सकते हैं वैसे तो। सो व्यूअर्स, मैंने इसकी फोर बॉल बना के रेडी कर ली है। अब मैं इसको इस बेसन के मिक्सचर में डिप करूंगी। ये मैंने पकौड़े वाला मिक्सचर बनाया हुआ है, आप इसकी सीजनिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम इसको इसमें डिप करेंगे और एक डीप कढ़ाई में इसको फ्राई करेंगे। सो व्यूअर्स, मैंने इनको फ्राई कर लिया है, अब हम इनको सर्व करेंगे। सो व्यूअर्स, मैंने इनको हरी चटनी के साथ सर्व कर लिया है इस तरह से स्क्यूअर्स में डाल के। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।